हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच हेयर मीन्स कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जो हम बातचीत करते हैं, जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, उसमें जो हम सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस किस किस पार्ट से मिलकर बना है, वो आज हम सीखेंगे। ओके, बेसिकली देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इनका यूज किस तरह से होता है और ये क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। क्या है नाउन? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, ये सब क्या है? नाउन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीना, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये क्या है? किसी पर्सन का नेम है, तो ये नाउन है। दिल्ली, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन है ये भी। चेयर है, हाउस है, ये सब वर्ड क्या है? नाउन है। ओके, सेकेंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्या होता है प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? वर्ब। और वर्ब क्या है? ये देखो, एक्शन वर्ड्स। क्या है वर्ब? एक्शन वर्ड्स, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, सिट, गो, कम, जंप, ईट, प्ले, ये सारे क्या हैं?